हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग ज्योति ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमने पहले ट्रायंगुलेशन मेथड किए थे उसके हमने दो वे पढ़े थे, दो मेथड पढ़े थे। फर्स्ट इज डोलिटल मेथड एंड सेकंड इज क्राउट मेथड। जो ये दोनों मेथड है वो लगभग सेम है, बट इनमें एक मेन डिफरेंस है जो कि है जब हम ए मैट्रिक्स की डिकम्पोजिशन करते हैं एल और यू की फॉर्म में, ठीक है, हम लेट करते हैं ना ए इक्वल टू एल यू, ठीक है। जो यहाँ पर एल है वो है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर डोलिटल और उसमें क्या होता है, जो डोलिटल मेथड है डोलिटल्स मेथड में जो हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिटी में होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके अपर एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, और बाकी हमारे एलिमेंट एक्सिस। और जो U है इसकी वह हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके लोअर वाले एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, बाकी एलिमेंट्स हमारे एज इट इज। ओके, अब जो हमारा क्राउच मेथड है उसका जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी यू होगी उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिटी में होंगे। अपर है तो इसके लोअर वाले एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, बाकी हमारे एज इट इज। और जो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा वो हमारा लोअर है तो इसके अपर वाले एलिमेंट जीरो, बाकी हमारे एलिमेंट्स एज इट इज। ठीक है, तो यही हमारा मेन डिफरेंस है कि इसमें तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल, सॉरी, जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसके डायगोनल्स होते हैं हमारे यूनिटी में, दूसरी वाली सिंपल होती है, और हमारा जो क्राउच मेथड है उसमें है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं डायगोनल्स होते हैं उसके यूनिटी में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।